किनारे आ गया है, बिल्कुल फैसले के करीबी पहुंच गए, बड़ा मामला है, ज्यादा कागज है, डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय महाधिवक्ता साहब ने दाखिल करने चाहे कोर्ट में, अनरेबल कोर्ट में दिए, दो वैल्यूम में बना के दिए, जो उनको जो सामने दिए, तो उसमें साफ तौर पे बात यह आ गई कि उन्होंने कहा इन्हें आप रजिस्ट्री के माध्यम से दीजिए मुझे, मतलब सिस्टम के माध्यम से दीजिए, प्रोसेस के माध्यम से दीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऑर्डर करूंगा। अब मैं ऑर्डर इस पर करूंगा तो ऑर्डर के लिए ऐसा सिस्टम होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आए वो प्रॉपर तरीके से आए, उन्होंने भाई हैंड में देना चाहे, सामने सीधे देना चाहे, तो वो उन्होंने लेने से मना किया। कॉपी भी सप्लाई करनी होती है तो कॉपी भी सप्लाई का प्रोसेस होता है। ये सारा कुछ होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है ऐसा कर देते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है देते हैं। उन्होंने तैयार बना दिया, एडी साहब ने कहा चार्ट बना दिया है, और मैंने उस पर सवाल उठाया, मैंने कहा जब ये यूनियन ऑफ इंडिया के काउंटर एफिडेविट से क्या इनका मैच करता है, हाँ हम उसको मानते हैं और उस आधार पर हम उसको करेंगे, उसी आधार पर डिसाइड करेंगे, उसको देखेंगे। और उसमें अब देखिए कंट्राडिक्शन बड़ा साफ है, यूनियन ऑफ इंडिया अपना काउंटर एफिडेविट दे चुका है, उसमें उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत सारा एक्सपेंसेस एक्सेस दिया है, जो हमने उसपे किया है वो एक्सेस है, अभी भी अमाउंट है तो उसमें दे सकते हैं, और उसी को एजी साहब ने महाधिवक्ता महोदय ने उसको माना, और उनका मानना उचित भी था, क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने ही अपील डाली है, ये अपील भी सरकार ने ही डाली है, अपील प्राइवेट काउंसिल के द्वारा डलवाई गई। अब जो माननीय महाधिवक्ता महोदय है जिनको माननीय चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया है, वो ऑफिशियल और अधिकृत रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता है, तो उनकी अब लगातार अपीयरेंस हो रही है चार डेटों से, अब उन्होंने पूरा चार्ट पूरा उसका रिप्लाई पूरा सब कुछ बना के दिया है, अब हम उसको देख लेंगे, कुछ अगर बात होगी तो उसका भी हम दे देंगे। और 7 तारीख के लिए 7 सितंबर का टाइम रखा बिल्कुल पास। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतने व्यस्त और देश के सबसे व्यस्त अनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एक हफ्ते की डेट दी, एक हफ्ते की कोर्ट के आधार पे आगे रखा गया, टाइम बाउंड है, जब भी लगा तब सुनवाई हुई, इतने दिन से जब से मई से जून से 11वीं सुनवाई थी, कभी अनरेबल कोर्ट छुट्टी पे नहीं थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनरेबल कोर्ट ने मैटर को सुना नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैटर केवल पास ओवर कर दिया गया हो कि नहीं सुना जाएगा, रेगुलर सुना और अच्छी तरह सुना, और इसी आधार पर ये सब चीजें निकल के आई है सामने। इस बात को जब मैंने कहा तो उन्होंने माना कि हाँ, एजी साहब ने भी कहा कि हाँ हम उसको स्वीकार करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया ने दिया, और यूनियन ऑफ इंडिया अब इस अपील में हमारे साथ है क्योंकि रिस्पोंडेंट है, स्टेट ने केस डाला है, तो यूनियन ऑफ इंडिया और हम सब रिस्पोंडेंट में है, हम सब इसमें है, तो उनकी तरफ से चीज आई है, अब इन्होंने दाखिल कर किया, आज उसकी कॉपी मिल जाएगी हमें, हम उसको देख लेंगे, और पूरी लास्ट हो गया है, अब पूरी आशा ही नहीं है, विश्वास है कि 7 सितंबर को हमारा केस ऑर्डर के लिए रिजर्व हो जाएगा, और क्योंकि इसमें डिटेल ऑर्डर होगा और काफी सुनवाई हुई है, अनरेबल चीफ साहब की डबल बेंच ने भी बहुत गहनता से सुना है, सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है, और जो अपील लगाई गई है उन्होंने एलपी मिश्रा साहब ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के रखा कि उनके फेवर में हो, सरकार उत्तर प्रदेश चाहती है ना देना पड़े अनुदेशकों को पैसा, इसलिए वो भी अपनी तरफ से बहुत पूरा जोर लगाए हुए हैं, तो पेश हो रहे हैं, और अब अनुदेशकों को विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि बहुत जल्दी ही इस मामले में अब 7 सितंबर के बाद फैसला आ जाएगा इसमें, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, चीफ साहब को पूरा अच्छी तरह से सब कुछ समझ है, पता है, जानकारी है, और उसको उन्हें याद है, टिप्स पे है, सारा कुछ उनके टिप्स पे है, और इसलिए अब विश्वास करके धैर्य रखकर एपी सिंह साहब सुनवाई के जी एपी सिंह साहब सुनवाई में कोर्ट में है जो हुआ उस दौरान जज साहब ने महाधिवक्ता जी से कुछ ऐसे सवाल जवाब किए जिससे आपको लगता है कि अगली तारीख में कुछ फैसला निश्चित हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको, क्या यह सरकार उठा रहे कैसे? नहीं, चीफ साहब ने कह दिया कि ठीक हमें आप उससे प्रोसेस से दीजिए, हमें ऑर्डर करना है, ये काम है ऑर्डर करना है, यानी कि ऑर्डर करना है हमें, तो ऑर्डर के लिए अब रखना है तो ऑर्डर रखेंगे, तो आप हमें दे दीजिए, उससे दे दीजिए, ऐसे नहीं।